तो दर्शन हो गया भाइयों, भाइयों दर्शन हो गया, मजा आ गया है ना, मन शांत हो गया, खुश हो गया। अब चलते हैं हम लोग, अपने अपने शूज पहनते हैं, फिर निकलते हैं हम लोग घूमने के लिए थोड़ा ना भाई। भाई ये नीचे उतर गया, चलिए। सो हे व्हाट्सअप गाइस, आई एम शुभम मेहता, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग निकले हैं सोमवार के दिन महादेव का दर्शन करने, और हम लोग निकलेंगे अभी सारनाथ। तो अभी हम लोग हैं पुल पे, हाईवे पे, तो बस इधर ही से हम लोग निकलेंगे रास्ता पकड़ के सारनाथ की ओर। और आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को देखिए क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। आज हम लोग कुछ अलग चीज दिखाएंगे वीडियो में ना भाई, आज हम लोग कुछ वीडियो में अलग दिखाएंगे क्योंकि महादेव, आज हम लोग महादेव का ससुराल दिखाएंगे ना, आज हम महादेव का ससुराल दिखाएंगे क्योंकि महादेव काशी से कहाँ जाते हैं अपने ससुराल, तो वहाँ हम लोग जाएंगे। तो मजा आएगा आपको, वीडियो देखते रहिए। अगर आप वीडियो में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूले दोस्तों, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक जल्दी से पहुंच जाए। हर महादेव। दोस्तों चलते हैं आगे, अपनी अपनी गाड़ी उठाते हैं और निकलते हैं हम सनसना के महादेव के पास। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, वीडियो को देखते रहिए, मजा आएगा आगे। गौतम भाई गाड़ी चला रहे हैं और हम लोग अभी है रास्ते में दोस्तों, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे भी आपको। तो अगर आप वीडियो को स्किप कर दोगे तो आप वो मोमेंट आप देख नहीं पाओगे, तो इसलिए आप वीडियो को जरूर पूरा देखते रहिएगा ना भाई। हाँ भाई, क्योंकि वीडियो को स्किप नहीं करना है दोस्तों, स्किप मत करिएगा, भूल के भी स्किप मत करिएगा वीडियो को, वीडियो को देखते रहिए। अभी हम लोग और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे तो वो वीडियो के एंड में होगा, आप वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए जो लोग सारनाथ घूम चुके हैं। तो वीडियो को बनाते समय दौरान ये हो रहा है, गड्ढे में गाड़ी कूद रही है, तो गाड़ी गड्ढे में कूद रही है, तो जिसके वजह से वीडियो ब्लर हो जा रहा है थोड़ा दोस्तों। तो यही सब कुछ सीन है, और वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा दोस्तों, वीडियो छोटा ही रखेंगे हम लोग, क्योंकि ये ऐसे रैंडम ब्लॉग बना रहे हैं हम लोग घूमने का ना भाई। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, चलो चलो, पेड़ गिर गया है, आपदा हो गई है एक छोटी सी, बीच सड़क पे पेड़ गिर गया भाई ना। मौसम बहुत अच्छा है यहाँ बनारस का, अपने बनारस का तो सीन थोड़ा सही है, लेकिन भाई बाकी शहरों में यार, दिल्ली वगैरह में तो यार एकदम पानी एकदम फ्लोट कर रहा है, दिल्ली पानी में तैर रहा है दोस्तों, पानी की वजह से दिल्ली हो गया, केदारनाथ हो गया, और अपने बनारस में भी पानी पानी जो है वो गंगा जी का बहुत ऊपर आ गया स्तर पे, लेकिन ठीक है यहाँ तक नहीं आया अभी, तो आता भी नहीं वैसे, क्योंकि हम लोग इतने साल से बड़े हो गए, अभी तक कभी देखा नहीं हम लोगों ने कि हम लोगों के घरों तक पानी घुस जाए, है ना भाई, क्योंकि ये काशी की, काशी की नगरी है, बाबा का शहर है, तो बाबा हम लोगों को कभी निराश नहीं करते और परेशान भी नहीं करते। तो आज हम लोग उन्हीं के पास जा रहे हैं क्योंकि बाबा का दर्शन करना बहुत जरूरी है भाई। बोलबम, तो ये देख सकते दोस्तों आप लोग कवरिया वाले जा रहे हैं, बोलबम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। Attract, I need you non-stop.
पे आप देख सकते हैं दोस्तों समाज सेवा चल रही है और प्रसाद भी दिया गया है, तो गाड़ी साइड लगाते हैं थोड़ा सा प्रसाद का, हम लोग पहले प्रसाद खाते हैं उसके बाद फिर निकलते हैं। तो दोस्तों प्रसाद का यार जरूरी है ग्रहण करना, तो बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। चलिए प्रसाद खाते हैं फिर निकलते हैं अपने टूर पे। ये देखिए भाई लोग सावन के शुभ अवसर, सावन के शुभ अवसर पे यार प्रसाद बांट रहे हैं भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यार ये लोग, अच्छा लगा हम लोगों को। लोगों को रोक रोक के प्रसाद दिया जा रहा है, लोगों को रोक रोक के प्रसाद दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो हम लोग भाई रास्ते में जा रहे थे और यार यहाँ पर यार सावन के शुभ अवसर पे यार प्रसाद बांटा जा रहा था, तो यार लगी थी भूख हम लोगों को मीठा खाने की भी, और भाई महादेव ने यार मीठा खिला दिया हम लोगों को, किसी के भी थ्रू मिल गया। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये प्रसाद बांटा जा रहा है, तो हम लोगों ने सब लोगों ने रुक कर यहाँ पर प्रसाद को ग्रहण किया, पानी वानी पिया हम लोगों ने। अब हम लोग निकलते हैं अपने टूर पे जहाँ हम लोगों को जाना है, ठीक है। तो भाई बिट्टू भाई चलिए गाड़ी पे आप बैठाइए सौरभ जी को, हम बैठते हैं गौतम जी के साथ। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं और हम लोग गाड़ी लगाना है यहाँ पे, गाड़ी लगा के फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो भाई गाड़ी लगा के आओ जल्दी से। तो फाइनली दोस्तों हम लोग मंदिर में आ गए और चलते हैं अंदर दर्शन करते हैं। और ये है भाई कुंड, आप देख सकते हैं। तो कैसा लग रहा है यार? मजा आ रहा है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ गए, बाबा के ससुराल आ गए हम लोग। आइए अंदर चलते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं, फिर देखते हैं आगे और क्या क्या होता है, वीडियो शूट करेंगे। तो ये मंदिर का सीन दोस्तों, सीढ़ी चलते हुए। तो चलिए दोस्तों जूता उतारते हैं, शूज उतारते हैं भाई। तो भाई लग रहा है जैसे हम लोग बहुत अलग जगह आ गए ना, मंदिर के अंदर जा रहे हैं हम लोग दर्शन करने के लिए, और जैसा लग रहा है हम लोग भी बहुत अलग जगह हम लोग आ गए, ऐसा लग रहा है हम लोग केदारनाथ की सीढ़ी चढ़ रहे हैं। तो आइए चलते दोस्तों मंदिर में अंदर दर्शन करते हैं, फिर कुछ आगे बाबा से मांगते हैं क्या मिल जाए हम लोग। ये बात सौरभ भाई का ले लिए पीछे, आइए चलते अंदर। तो आइए नंदी से कुछ बोलते हैं, इनके कानों में कुछ ही अंदर आ गया दोस्तों। वाह वाह, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भाई टीका लगवा लिया जाए यार, तुम भी लगवाओ टीका। तो हम लोगों ने सोचा टीका लगवा लेते हैं दोस्तों, कि जरूरी है। चलिए दोस्तों चलते हैं नीचे, फाइनली हम लोगों ने दर्शन कर लिया। तो दर्शन हो गया भाइयों, भाइयों दर्शन हो गया, मजा आ गया है ना, मन शांत हो गया, दिल खुश हो गया। अब चलते हैं हम लोग, अपने अपने शूज पहनते हैं फिर निकलते हैं हम लोग घूमने के लिए थोड़ा ना भाई। तो भाइये नीचे उतर गए, चलिए। तो दोस्तों यार यहाँ हम लोगों को दर्शन करके बहुत मजा आया। ये मंदिर जो है, इस मंदिर का नाम है सारंगनाथ भैरव भोलेनाथ मंदिर। तो इस मंदिर का जो रहस्य है वो बहुत मतलब अद्भुत है।
तो अगर काशी खंड में भी दिया गया, इसके बारे में वर्णन दिया है, तो इसका वर्णन काशी खंड में भी हुआ है। तो अगर आपको यहाँ के बारे में जानना है तो आप यहाँ पे जरूर आइए, दर्शन करिए, तब आपको यहाँ के बारे में पता चलेगा। और यहाँ की वाइब जो है ना वो अलग ही है। जब आप यहाँ पे आओगे, दर्शन करोगे, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ का मजा ही कुछ है भाई। तो ये है पीछे हमारे कुंड, आप देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, दर्शन तो हो गया, बाबा का नारा लगा लिया, निकला जाओ। हाँ तो चलते हैं दोस्तों, यहाँ से निकलते हैं, अब हम लोग कहीं और चलते हैं। तो चलिए बाबा के धाम पे नारा लगा के जरूर चलते हैं। चलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चलिए दोस्तों यहाँ चलते हैं, फिर आगे आइए दोस्तों, चलते हैं तो भाई हर हर महादेव। आइए चलते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों हमारे पीछे ठीक सारनाथ स्टेशन है यार। अगर आपको इस मंदिर में आना है, सारनाथ मंदिर में, तो आप ठीक आप कहीं से भी ऑटो से या फिर ट्रेन से आप यहाँ सारनाथ स्टेशन पे उतरिए और मात्र 100 कदम की दूरी पे वो मंदिर है। तो आप स्टेशन पे आइए, यहाँ से उतरिए ट्रेन से, फिर आप मंदिर जाइए, दर्शन करिए। उसके बाद आप ट्रेन से अगर हैं तो आप फिर वापस जा सकते हैं अपने घर ना भाई, और अगर या नहीं तो ऑटो पकड़ के भी जा सकते हैं। तो यही है कुछ दोस्तों, पीछे है स्टेशन, आप देख सकते हैं, और बस 100 कदम की दूरी पे है मंदिर बाबा का ना भाई। तो अब हम लोग चलते हैं, अपनी अपनी गाड़ी उठाते हैं भाइयों, और साथ लगी है भूख यार, तो कुछ खाते पीते हैं, तो उसके बाद फिर निकलते हैं अपने लोकेशन पे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो लगा था भूख और हम लोग आए हैं, गोलगप्पा खाए यार यहाँ पे। चटपटा खाने का मन था तो इसलिए हमने सोचे गोलगप्पा खा ले। और ये हैं भाई साहब, बहुत अच्छा बनाते हैं गोलगप्पा। क्या नाम भैया आपका? राजू भाई। ये मिल गया दोना भैया, हम लोग राजू भैया के दुकान पे आ गए यार। गोलगप्पा खाएंगे, यहाँ का सारनाथ का फेमस दुकान है भाई, यहाँ का आप जरूर आइए, तो यहाँ गोलगप्पा जरूर खाइए। और ये है दर्शन भी हो गया महादेव का, सब हो गया, और हम लोगों ने गोलगप्पा भी खा लिया पेट भर के। तो कितना खर्चा हुआ? 65 रुपये। तो भाई 65 रुपये में हम लोगों ने भर पेट गोलगप्पे खा लिए, एकदम पेट दबा के भाई ना। और वाकई में भाई अच्छा गोलगप्पा था, राजू गोलगप्पा वाला। तो ये मंदिर पीछे देखिए, आप आइए यहाँ, तो यहाँ पे गोलगप्पा खाइए। तो चलिए दोस्तों यहाँ से निकलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग सारनाथ के पास आ गए हैं, और आइए चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें। तो यहाँ पे पहले ये था नहीं, अभी ये बन गया है। तो भाइयों 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 आ गए हम लोग बुद्धा पार्क में, देखते हैं यहाँ क्या सीन है। हरनाथ के अंदर जा रहे हैं, और ये है सामने गौतम। कब बनवाया था ये तुमने? 1996। अबे 94 में तो हम पैदा हुए हैं, 96 में मतलब। अच्छा, यानी मेरे आने से पहले तुमने बना दिया ताकि हम यहाँ पे आके वीडियो बनाए। तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ गए अंदर, देखिए पीछे मंदिर है, ध्यान लगाया जाए अंदर। तो चलिए दोस्तों आइए चलते हैं अंदर, चलिए भगवान की यहाँ पे मूर्ति स्थापित हुई है, थोड़ा चलते हैं, उनको थोड़ा करते हैं। ये देखिए कुछ है भाई इसके अंदर, ये बहुत रास है, समय आएगा तो पता चलेगा।
ब्लॉग अभी भी है। अच्छा अच्छा अभी वो की ले लो 360 देख लो अड़चन कितना सब डाले मगर ढीले ढूले नहीं कहीं से बताओ बिट्टू तो ये है दोस्तों बुद्ध मंदिर के अंदर का सीन और ये है पीछे का सीन दोस्तों आप देख सकते हैं। तो मेरे टीम वाले दोस्तों आगे चल रहे हैं आप देख सकते हैं। हाँ तो हम सबको कैप्चर करते हुए पीछे चल रहा है ये गौतम भाई चल रहे हैं आगे आइए साइड में चलते हैं थोड़ा दिखाते हैं कुछ आपको इधर आए ये मंदिर है इस मंदिर में भी चलते हैं आइए। तो भाई सीता रसोई में हम लोग आ गए हैं आइए दिखाते हैं अंदर आपको सीता रसोई में क्या सीन है। तो अंदर जाने का पैसा लगता है क्या भाई? नहीं पैसा नहीं लगता ना उसका शो का पैसा लगता है भाई शो तो शो तो हम लोगों तो हम लोगों को शो तो देखना नहीं है ना सुनिए हम लोगों को शो नहीं ना देखना भाई। हाँ तो हम लोग खाली ऐसे ही कवर करते हैं वीडियो को पे यार स्टंट्स हो रहा है तो आइए चलिए देखते हैं। हम लोगों ने दूर से देखा कि यार यहाँ क्या हो रहा है तो आइए चलिए देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ का क्या सीन है देखते हैं। चलो तो भाई अभी रेडी हो रहा है ये मारेगा 360 आप देखिए दोस्तों ये 1 2 3 वाह शाबाश बहुत बढ़िया भाई। बैटल कर रहे हो क्या यार कौन सा क्रू है तुम्हारा? बहुत सही बहुत सही साइड फ्लिप एडवांस बहुत सही बस बस दोस्त। यहाँ पे दोस्तों ये सब सीन चल रहा है ना भाई तो हमारा गौतम भाई भी ट्राई करेगा ये मारेगा एकदम फ्रंट के साथ बैक मारेगा उसके बाद फ्रंट मारेगा फिर एयर फ्लिप मार देगा। चलो ठीक एकदम चलो गौतम भाई आइए मैदान में आइए। तो ये है दोस्तों सीता रसोई आप देख सकते हैं ये गेट बंद है हम लोग अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हम लोगों के पास पैसा नहीं है। हम लोगों के पास पैसा नहीं दोस्तों तो इसलिए हम अंदर नहीं जा रहे क्योंकि यहाँ अंदर का 1000 रुपये टिकट लगता है भाई ना जैसा बिट्टू भाई जैसा कह रहे हैं कि 1000 टिकट लगता है तो भाई अभी अभी हम लोगों के पास 1000 तो नहीं है दोस्तों इसलिए हम लोग अंदर नहीं जा रहे तो हम लोग यहीं गेट से वीडियो को दिखा रहे हैं हम लोग वीडियो को यहीं से दिखा रहे हैं तो दोस्तों आप समझ सकते हैं हमारी फीलिंग्स को तो उसके लिए उसके लिए सो सॉरी दोस्तों कि हम लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। बैठे हुए जो पीछे से चोरी लुके आके शूटिंग कर रहे हैं अपना तो यही सब कुछ सीन है दोस्तों लेकिन लोकेशन बहुत प्यारा लग रहा है भाई लोकेशन तो हम लोग गेट के ठीक सामने खड़े हैं गेट बंद है और अंदर जाने के 1000 रुपये लग रहा है भाई फॉरेनर का रशियन का 2000 रुपये लगता है। हम लोगों के पास तो उतना पैसा है नहीं कि हम लोग 1000 रुपये दे के अंदर जाएं क्योंकि हम लोग 65 रुपये लाए थे 65 रुपये खत्म हो गया लाए थे ये खर्चा हो गया नूरी उरी नहीं लाया दोस्तों ये सब लोग नहीं पीते 65 रुपये लाए थे हम लोगों ने गाड़ी में तेल डलवाया गुलगप्पा खाया हम लोगों ने खत्म ना भाई। हाँ, तो यही लास्ट का सीन था जो हम लोगों को आपको बताना था कि 65 रुपये में हम लोगों ने सारनाथ पूरा घुमा है और साथ में बाबा का दर्शन भी किया और ये टीका भी लगवाया हम लोगों ने में। बस यहाँ नहीं जा पा रहे हैं दोस्तों हम लोग सीधा रहते हैं क्योंकि यहाँ 1000 रुपये है तो नेक्स्ट टाइम हम लोग आएंगे अंदर जाएंगे जरूर वो उसका अलग से ब्लॉग बनाएंगे तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। तो चलिए वीडियो को यही करते हैं खत्म अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें
ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे, सट्ट से पहुंचे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, बाय। चलते सट्ट से, अपन भी निकलते हैं यहाँ से सट्ट से। चलिए चलते हैं, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लोग दोस्तों। हर हर महादेव।